जब ये इक्वेशन बनी ना, कोनिक की जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट की बनी, तो ऑब्वियस ही बात है कि लालची इंसान के मन में दो चार बातें तो आनी ही थी। वो दो चार बातें क्या थी कि यार ये जो इक्वेशन है ये कभी सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर देती है, कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर देती है, और आज कोनिक के केस में भी यही आई है। तो फिर इसकी डिफरेंट 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 पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश की गई। तो जब उसकी डिफरेंट 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 पॉसिबिलिटीज निकालने की कोशिश करी गई, तो इंसान के सामने कुछ बेहतरीन केसेस आए। केस वन, स्टार। ये जो फिक्स पॉइंट दिया गया था ना, फिक्स पॉइंट, और ये जो फिक्स लाइन दी गई थी, इनके साथ दो बातें हो सकती थी। या तो फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पे लाया करेगा, एक फिक्स पॉइंट आपको दिया गया है, या तो वो पॉइंट उस लाइन पे लाया करेगा या लाइन पे लाए नहीं करेगा। ये दो ही केसेस हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों केसेस के दरमियान यही सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन एसपी अपॉन पीएम बराबर ई लगा के लोकस निकाला गया कि पहले इन दोनों केसेस के अंदर इसका लोकस निकालते हैं क्या मिलता है। तो केस वन, व्हेन फिक्स पॉइंट बोले तो फोकस लाए, लाई जाना चाहिए ना, लाइज ऑन फिक्स लाइन, फिक्स लाइन बोले तो डायरेक्ट्रिक्स। व्हेन फिक्स पॉइंट लाइज ऑन फिक्स लाइन, मतलब एस लाइज ऑन एल इज इक्वल टू जीरो। अगर मेरा फोकस फिक्स लाइन पे लाए करेगा, देन सुनो तो ध्यान से, ये जो आई है ना मेरी सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसका एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है जिसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है। याद है किसी को? एबीसी डिटर्मिनेंट लिखे, मतलब वैसे याद नहीं है, मैं और भूल गया तुम लोगों के चक्कर में गधेड़ो। एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड इसको मान लेते हैं वन, एंड वन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अगर कभी दिया गया फिक्स पॉइंट उस फिक्स लाइन पे लाए करता है, तो एसपी अपॉन पीएम बराबर ई वाली कंडीशन लगाने से मुझे जो भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिलेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू देखी गई कि वो जीरो आती है। अच्छा, और अगर ये जीरो हो जाता है तो ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये बात हमारी पहले हो चुकी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब लोग तो घेरेंगे ही, अरे यार ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो उनको संतुष्ट करने के लिए हमने ऐसे बोला कि देख भाई ऐसा है, कोई सूगली सी लाइन और कोई सूगले से फिक्स पॉइंट लेके तो मैं इस चीज को चेक करा के नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी जो अपन ने जनरल इक्वेशन निकाली थी इस जगह पे लंबी सी, अगर उसको खोल के आप इस फॉर्मेट में लाओगे तब तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जो एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट है ना, जो मैं बोल रहा हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एल स्क्वायर दिखेगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट इतना भारी है, मेरी बातें कुछ थोड़ी बहुत तो समझ में आती होगी। यहाँ पे जो अभी हमने ड्रामा लिखा था इतना बड़ा सा, अगर आप उसे पूरा खोल खुला के फैला लोगे इतना लंबा चौड़ा, और इस फॉर्मेट में फॉर्मेट यही बनेगी, कॉफिशियंट यही मिलेंगे, यही छह टर्म आएगी, लेकिन इनके कॉफिशियंट काफ़ी भारी भारी टाइप्स होंगे। फिर आप इसको चेक करोगे तो फिर तो कर लिए अपन चेक, फिर तो हो गई क्लास, क्या एग्जाम हो जाएगा खत्म, यहीं बैठे रहेंगे अपन लोग, तो वो काम तो अपने को करना नहीं। हमने बोला कि हम इस चीज़ को समझने के लिए एक सस्ता एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक सस्ता एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए, एक फिक्स लाइन ले लेते हैं। तो फिक्स लाइन ले ली हमने वाई एक्सिस, फिक्स लाइन ले ली हमने वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर एक फिक्स पॉइंट बोल दो, मतलब अब ये भी नॉर्मलिटी टेस्ट है, अगर आपने ओरिजिन नहीं सोचा तो फिर आप एबनॉर्मल हो। तो वाई एक्सिस पे सबसे अच्छा पॉइंट तो ओरिजिन ही है भाई, फिक्स पॉइंट मान लिया ओरिजिन, ये तो मेरा काम कर रहा है एस का, और ये मेरा काम कर रही है एल इज इक्वल टू जीरो यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का। समझ रहे हो क्या यार?
अच्छा, अब मुझे एक पी पॉइंट का लोकस निकालना है। पी एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जो कि इस फिक्स पॉइंट एस कॉमा जीरो कॉमा जीरो से जो इसकी डिस्टेंस है एस पी, और इस पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस वाई एक्सिस से पी एम, इसका रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और किसी ई के बराबर रहता है। ये सब सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम इसे एक अच्छी चीज से रिलेट करेंगे। मैं कोई भी चीज फालतू नहीं बताता, उसका कोई ना कोई यूज होगा, इसीलिए अपन पढ़ रहे होंगे बस। एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, पी के कोऑर्डिनेट क्या मानू, एच कॉमा के पकड़ लो भाई, ये मेरी वाई एक्सिस है। एस पी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम मॉड एच, वेरी गुड, मॉड एच ना कि एच। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो बेशर्मो, इस वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बोलो तो सही, एक्स इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो मॉड तो लगाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में, तो मॉड एच अपने आप ही आ जाएगा अगर किसी को कोऑर्डिनेट से नहीं समझ में आता तो ई टाइम्स मॉड एच स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर। नीडलेस टू से दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस केस में आया है, इस केस में आया क्योंकि मेरा फिक्स पॉइंट ओरिजिन था, क्योंकि मेरा फिक्स पॉइंट ओरिजिन था। अगर मेरा फिक्स पॉइंट ओरिजिन नहीं होता तो वो उस पॉइंट से पास हो रही होती, लेकिन यहां से मेरे को कुछ केसेस दिखाई दे रहे हैं ई स्क्वायर माइनस वन के लिए। अगर ई स्क्वायर माइनस वन जीरो से बड़ा है, इस जगह देखो ई स्क्वायर माइनस वन अगर जीरो से बड़ा है तो ये लाइंस रियल है, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर के केस में आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइंस है। एक वाई इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री एक्स आएगा और एक वाई इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स आएगा, समझ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा बहुत बुरी से बुरी हालत में अगर ये जीरो हो जाएगा तब भी आप चलो बोल लोगे किसी तरह से दिल में पत्थर रखे कि ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखी हुई है दो बार उसको कंबाइन कर दी, अरे एक्स एक्सिस आएगा वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, सही है। स्टिल वी हैव पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइन बट द स्ट्रेट लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लेकिन अगर ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, आंसर औकात में रहोगे, आर्गन प्लेन वार्गन प्लेन, हाँ हाँ, अरे प्लस माइनस आयोटेक तो ज्यादा पढ़ लेते हैं लुबा भाव, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन और इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस, वी विल गेट इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि जो भी आ रहा है वो आयोटा एटम आ रहा है तो उसे हम इमेजिनरी बोलते हैं। बस इतना बोलो ना, क्या तुम आयोटा और ये सारा ज्ञान बिखेर देते, वी विल गेट इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल स्टिल बी रियल विच इज ऑरिजिन, सही है। काफी समय पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत समय पहले, 15-16 साल हो गए होंगे अब तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रियल विच इज ऑरिजिन, सेटिस्फाई करता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, वैसी बात आ गई इसलिए बात कर लेते हैं, पॉइंट सर्कल ऑल्सो, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पॉइंट सर्कल ओरिजिन जिसका सेंटर है और रेडियस जिसकी जीरो है उसे भी रिप्रेजेंट करता है, और ये इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दो बातें ये चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। खैर अभी अपन अपने काम की बात करते हैं। यहां मैंने देखा कि ई अगर वन से बड़ा है तो ये रियल है, वन के बराबर है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और वन से छोटा है तो ये इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही चीज अगर मैं कोरिलेट करना चाहूं इसके साथ, अगर आपको कुछ इसे देख के याद आता हो, ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हमने चीज पढ़ी थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर कि ये रियल स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एच इज इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन
ए बी हो तो ये रियल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है क्या भाई साहब, तब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो तो नहीं एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सोच रहे हो भाई साहब, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस या फिर कोइंसिडेंट, पर कोइंसिडेंट का तो केस स्पेशल है जब वो सेम पॉइंट से पास हो रही हो तो कोइंसिडेंट, नहीं तो पैरेलल तो है ही, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी इमेजिनरी, याद नहीं आ रहा ना किसी को, किसी को दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला याद है, टेन थीटा बराबर नहीं याद, नाइस आए मैंने पढ़ाया भी नहीं था, तू तो आया नहीं उस क्लास, मैंने पढ़ाया भी नहीं था, हर चीज थोड़ी पढ़ाई जाती है, मैंने तो दो की टेबल भी नहीं पढ़ाई, अब बताओ तुम तो दो की टेबल पूछ लो, नहीं सर हम तो ऐसी किसी क्लास में नहीं आए, ऐसी बात हो जाती है ना कई बार तो वास्तव में, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसमें जो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी आ रहा है ये भी कह रहा है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जब बड़ा होगा तभी रियल लाइन आएंगे और उनके बीच का एंगल निकाल पाओगे, या ज्यादा से ज्यादा जीरो कर लो, लेकिन नेगेटिव कर लोगे तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन आएगी तो उनके बीच का कद्दू एंगल निकालोगे फिर, सही है क्या? तो उसको मैंने यहां से रिलेट करा, सेम कंडीशन देखो, इफ ई ग्रेटर देन वन और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ई यहां वन से बड़ा हो, मैं यहीं से ले रहा हूं और ये वाली कंडीशन ला रहा हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंडीशन कब आती है जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, लाइन्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ ई इज इक्वल टू वन और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, लाइन्स विल बी रियल एंड, वैसे देखो पैरेलल होनी चाहिए थी लेकिन इस केस में क्योंकि उन्हें एस से पास होना है, किससे पास होना है एस से, इसलिए पैरेलल की बजाय आई वुड से कोइंसिडेंट, लास्ट इफ ई लेस देन वन और एच स्क्वायर लेस देन ए बी, देखो भैया कोई गेल सिप्पेबाजी ना हो, मैं फिर से एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं अपनी तरफ से बेटर सेफ रहने के लिए, ये जो दो कंडीशन है हम इन्हें कोरिलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ई एसेंट्रिसिटी हमेशा दी जाए ये जरूरी नहीं है, अगर मुझे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी जाएगी सेकेंड डिग्री जनरल फॉर्म में तो वो रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है या इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसको जांचने के लिए मेरे पास एसेंट्रिसिटी नाम की चीज नहीं रहेगी, तो मैं उसके रियल कैसे चेक करूंगा, एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करके चेक करूंगा भाई, सही है? उसी समय दूसरी तरफ अगर मेरे को एक फिक्स लाइन दी गई है और एक फिक्स पॉइंट दिया गया है और मुझे बोला गया है कि एस पी अपॉन पी एम ई के बराबर है और ई की वैल्यू दे दी लेट से रूट थ्री, कुछ समझ में आ रही है मेरी बात, अगर ई की वैल्यू दे दी रूट थ्री, मैंने एक कंडीशन लगा दी भाई सब एस पी अपॉन पी एम बराबर रूट थ्री, है ना, लोकस निकाल लिया, अब उस लोकस के बारे में अगर मुझे कमेंट करना है कि वो लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हालांकि मेरे को लोकस निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं सबसे पहले तो उस पॉइंट को उस लाइन में ठोक के देख लूंगा, अगर वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब 100% क्या बनने वाला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या बनने वाली है, और ई की वैल्यू वन से बड़ी वन से छोटी है वन के बराबर है उसके हिसाब से बता दूंगा कि रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आने वाली है या इमेजिनरी आने वाली है या कोइंसिडेंट आने वाली, सही है? नहीं समझ आ रहा, तो इन दोनों का अलग अलग यूज है, अगर आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी गई तो आप इस वाले तरीके से आंसर दे सकते हो, नहीं दी हुई है तो मैं एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करके दे सकता हूँ, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू वन से बड़ी हो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी ए की बात है, हम लोग ये वाला कोरिलेशन बना रहे हैं इनके बीच में, ठीक है क्या, ई अगर वन से छोटा है और एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा है लाइन्स विल बी इमेजिनरी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज
that is S. Real point of intersection, that is S. Note that in all of the above three conditions, in all of the above three conditions, pair of lines passing through the fixed point, pair of lines passing through the fixed point S, alpha comma beta भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, जो S alpha comma beta लिया था ना हमने fixed point, इन तीनों condition में जो pair of lines आएंगी वो हमेशा alpha comma beta से pass होगी. इसी वजह से जो second वाला case है उसमें lines कैसी आई हैं, coincident आई. Case two, case 2 is when fixed point focus does not lie on fixed line directrix. अगर जो ये मेरे ये अपने काम का आइटम है जो हमें पढ़ना है, अगर मेरा फिक्स पॉइंट उस फिक्स लाइन पे लाए नहीं करता तो जो डेल्टा है, डेल्टा इज एबीसी प्लस, अरे कोशिश किया करो याद हो जाती है, प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. ये जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है. और अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये जो मेरी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ये किसी ना किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी. अब लोगों ने पूछा भाई साहब कोनिक तो तीन है तो कोई तीन फर्दर कंडीशन देनी पड़ेगी, तो हमने बोला लो यार, इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन, और एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन से रिलेटेड दूसरी कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, द सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पैराबोला. If e less than 1 and greater than 0 होना कंपलसरी है, ध्यान रखना. क्यों? क्योंकि e तो रेशियो है भाई, दो डिस्टेंस का भाई, अगर greater than 0 नहीं होगा तो फिर फायदा क्या हुआ e का. तो e अगर 0 से 1 के बीच में या फिर h स्क्वायर ab से छोटा है तो माई सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट एन एलिप्स. ये याद रखना है आपको, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, एस टी डी, ये तो रटा होना चाहिए भाई साहब, स्टिक टू दिमाग. अगर ई एसेंट्रिसिटी वन से बड़ी है या फिर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो माई सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला. ऐसी एक सस्ती सस्ती चीज पूछ ली किसी ने रास्ते चलते कि एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, जो भी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन, नंबर ऑफ कंडीशंस रिक्वायर्ड किस बात के लिए, कि ये किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करे. शी सेइंग वन, किसी पर्टिकुलर कोनिक को रिप्रेजेंट करे. पहले मैंने गलत बोल दिया, सॉरी. डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वो किसी ना किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करी जाएगी. पर्टिकुलर कोनिक को रिप्रेजेंट करे इसके लिए दो या तीन, दो कौन सी, नाइस, नॉट बैड.
एक तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एक तो ये कंडीशन है, और ये दो थोड़ी है, ये तो एक है, ठीक है। ई दिया होगा तो एसेंट्रिसिटी से बताओगे, और अगर ई नहीं दिया तो एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करके बताओगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। और लिखा है ना बीच में, इसीलिए और लिखा है, ठीक है। तो दो कंडीशन रिक्वायर्ड है किसी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फाइन, उड़ा दूं। क्या बोलो? कंट्रोल करो माइक, भाई कंट्रोल करो, बाबू को रहे भाई।